लॉकडाउन के बाद गैर प्रांतों से आए हजारों की संख्या में पहुंच रहे यात्रियों का बस व प्राइवेट वाहन से उतरते ही मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण कराने वाले यात्रियों की भीड़ जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है। देर रात से ही पूरा स्वास्थ्य विभाग यात्रियों की जांच में जुटा हुआ है। रात से अब तक लगभग 700 यात्रियों का परीक्षण करवाया जा चुका है। यात्रियों की जांच के बाद सभी लोगों को घर के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं आए हुए यात्रियों का कहना है कि हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं, कुछ दूर पैदल चला फिर साधन मिला जिसके बाद हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। यहां आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों की जांच कराई गई। जांच के बाद हम लोगों को घर जाने की अनुमति दी गई है। वहीं इस मामले में सीएमएस प्रभाकर कुमार ने बताया कि रात से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाहर से आए हुए यात्रियों की जांच कराई जा रही है। रात से अब तक लगभग 700 लोगों की जांच कराई जा चुकी है। जांच में सभी यात्रियों की स्थिति सामान्य है। सूरत से चले हम लोग, सूरत से चलते कहीं मिल जाता था पुलिस वाले तो हम लोगों को वाहन में बैठा देते थे, फिर जब वाहन वाला जहाँ जाना था तो वहाँ हमको उतार देता था। फिर हम लोग पैदल चलते थे, खाना पीना पुलिस वाले बराबर पूछते थे, खाना पीना है हर चीज़, फिर बैठाते थे। ऐसे करते हुए हमको 7-7.5 दिन में हम फतेहपुर जिला आए। हमारा फतेहपुर जिला है, जुनिया चौकी पड़ती है हमारी, जुनिया चौकी में आए, सूचना दिया, वो लोग कल शाम को लेट आए तो चौकी में रात भर रहे, इसके बाद आज सुबह खुद उन्होंने गाड़ी दी हम लोगों को अस्पताल के लिए, अस्पताल आए, अस्पताल में जांच कराया, जांच में सब कुछ सही पाया। हाँ, जांच में सब कुछ सही पाया। ये कहाँ से आप आ रहे हो, कहाँ जाना था आपको? हमें जाना है निभौर गांव है हमारा, बदेरू तहसील जी। दिल्ली से आए हैं, पैदल आए हैं गौतम बुद्ध नगर तक, गौतम बुद्ध नगर से फिर आगरे तक आए हैं, उसमें पिकअप में, पिकअप से फिर आए हैं आगरा, आगरे से फिर पैदल आए हैं टुंडला तक, टुंडला टूल टैक्स से प्रशासन ने हमें ट्रक में बैठाया फतेहपुर तक, फतेहपुर से फिर अब सरकारी अस्पताल में हमारी जांच हुई, अब गांव जाएंगे। जांच में सब कुछ सही पाया गया? सब कुछ सही पाया गया। सर, जो यात्री बाहर से आए हैं उनके लिए अस्पताल द्वारा क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं, किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है उनको? अस्पताल में 3 काउंटर बने हुए हैं और यहाँ अभी तक जो है 600 से 800 लगभग की स्क्रीनिंग हो चुकी है रात से, और ये सब हाईवे से आने वाले हैं, और गांव में प्रधान जो एंट्री नहीं दे रहे हैं लोगों को वो भी लौट के आ रहे हैं, और उनका कहना है कि सर्टिफिकेट लाओ जांच का कि हमें कोरोना नहीं है। जी जी, ये गलतफहमी है, और जिनको फीवर नहीं है उनको होम क्वारंटाइन की एडवाइस दी जा रही है, और जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल रही है किसी पॉजिटिव केस से या विदेश से ऐसे, उनको जो है क्वारंटाइन के लिए किया जा रहा है, और थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, और उनको सारे जो है सफाई के जो रूल्स हैं मानक के अनुसार उनको सफाई निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ हाथ धुलवाया जा रहा है, मुँह बांध के रखने के लिए 1 मीटर दूरी पर, देखिए लाउड स्पीकर से चल रहा है कार्यक्रम की लोग 1 मीटर दूरी बनाए रखें, और काफ़ी लोग मास्क पहने हुए हैं, अगर मास्क पहने हुए हैं तो एक दूसरे को टच न करें, बिल्कुल न छुएं, और बार बार हाथ धोते रहें। कोई ऐसे केस अब तक पॉजिटिव केस जिले में नहीं? अभी तक तो कॉन्टैक्ट वाला ऐसा कोई केस नहीं मिला जी जी, और न रिस्पेक्टेड डिस्टेंस का कोई मिला जी जी, सब कुछ समान है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।